खबर फरुखाबाद से है, जहां 48 घंटे के अंदर महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि एसओजी टीम, थाना पुलिस व सर्विलांस टीम के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते मंगलवार जाफरी मोहल्ला निवासी बबलू कन्नौजिया की पत्नी गीता कन्नौजिया के साथ गिफ्ट ऑर्डर के बहाने घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की थी। वहीं बदमाशों के द्वारा दी गई पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एसपी के निर्देश पर 3 टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके हाथ यह सफलता लगी है। मामले का एसपी अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में खुलासा किया है। अंतर जनपदीय गिरोह के 4 बदमाशों को पुलिस ने जखा तिराहे से डकैती की योजना बनाते समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। वहीं एक बदमाश फरार है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लूटी गई सोने की चैन, 2 देसी तमंचा व कारतूस, 2 चाकू व 2 नायलॉन रस्सी बरामद की गई है। सभी आरोपी फर्नीचर का काम करते थे और बाइक से व घरों में काम करने के दौरान रेखीकरण घटना को अंजाम देते हैं। एसपी ने 48 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने पर टीमों को 10,000 की इनाम की घोषणा की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी राजू मिश्रा निवासी ग्वाल टोली, धर्मेंद्र राठौर निवासी ग्वाल टोली, आकाश बाथम निवासी बाकरगंज, राजन शाह के निवासी गोविंद बिहार काराबल नई दिल्ली के निवासी है। आपको बता दें कि पूरा मामला फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार का है। ये दिनांक 13 तारीख को थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रीमती गीता पत्नी बबलू कन्नौजिया हैं, जो कि मोहल्ला जाफरी में रहती है, उनके घर पर सुबह करीब 8 बजे घर के अंदर 2 लोगों ने घुसकर लूटपाट की थी और उनका गला दबाकर, मुंह दबाकर उनकी सोने की चेन लूटकर भाग गए थे। उसी के संबंध में 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया। थाना फतेहगढ़ एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सीओसीटी के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा किया गया है और इसके अंतर्गत इस घटना में जो अभियुक्त थे उनको दौरान पुलिस मुठभेड़, उसके बाद जखात तिराहे से उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें राजू मिश्रा, आकाश बाथम, धर्मेंद्र राठौड़ और राजन साग के इनको गिरफ्तार किया गया है। उनका एक साथी है जो राजू है, वो भागने में सफल रहा है। इनके पास से लूट से संबंधित एक अदद जो पीली धातु की चेन है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ नाजायज तमंचे और जो चाकू हैं वो बरामद हुए हैं और कुछ रस्सियाँ इनसे बरामद हुई है। इनसे इंटरोगेशन में जो चीज़ पता चली है, इनका मास्टरमाइंड धर्मेंद्र राठौड़ है। ये यहाँ पे फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। साथ ही साथ इसके अन्य साथी हैं, वो भी फर्नीचर का कुछ काम करते हैं। ये मोटरसाइकिल्स पे और अन्य तरीके से और किसी भी घर में जब ये काम कर रहे होते हैं, फर्नीचर का काम कर रहे होते हैं या लकड़ी का काम कर रहे होते हैं, तो घर की रेखी करते हैं, आसपास के घरों की रेखी करते हैं। जिन घरों के अंदर कम लोग रहते हैं या महिलाएं अकेले रहती है, उनको ये टारगेट करते हैं। वहाँ पर घुसकर वहाँ पर जो भी उनके घर के अंदर सामान, कैश या ज्वेलरी रहती है, उसको लूट लेते हैं और उसके बाद अपने मौज मस्ती के लिए पैसे को उड़ाते हैं। इस क्रम में इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है और राजीव जो है उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाएगा। और जो ये टीम थी, हमारी टीम को इस काम के लिए 10,000 का पुरस्कार है वो भी दिया गया है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं या पहली बार इन्होंने ये घटना को किया है? इसके बारे में इनका आपराधिक इतिहास वो मालूम कर रहे हैं कि इससे पहले भी क्या इन्होंने कभी कोई घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरीके से काम करते हैं उससे प्रतीत होता है कि इन्होंने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ें सामने आई नहीं है। तो इनका जो आपराधिक इतिहास है उसका पता लगा रहे हैं। फरुखाबाद से जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर कौशाम्बी से है, जहां डोरमा PSF गोदाम में कार्ड जमा होने के बाद भी खाद नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथो तहसील क्षेत्र में इन दिनों खाद के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं किसानों को खाद लेने के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि कई दिन तक नंबर लगाना पड़ता है, क्योंकि इन दिनों रबी की फसल बुआई के लिए सभी किसानों को खाद की सख्त से सख्त आवश्यक है। इसलिए दूरदराज से किसान सोसाइटियों में खाद के लिए पहुंच रहे हैं। 3 दिन से जमा है आधार कार्ड। सिराथो तहसील क्षेत्र के डोरमा गांव में स्थित PCF गोदाम में शुक्रवार को ताला लटकता हुआ मिला। यहां सुबह 8 बजे से ही 3 दर्जन से अधिक किसान खाद लेने के लिए पहुंच गए। वहां स्वेटर में लगे ताले को निहारते रहे, किंतु आधा से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शटर का ताला नहीं खुल सका। इसामपुर माडो गांव के रहने वाले स्वामी दयाल ने बताया है कि 3 दिन पहले उन्होंने आधार कार्ड जमा कर नंबर लगा दिया था। उन्हें शुक्रवार को बुलाया गया था, किंतु जब वह शुक्रवार को गोदाम आए तो ताला लटकता हुआ मिला। इससे वह निराश होकर दोपहर 12 बजे के बाद अपने घर बैरंग लौट रहे हैं। इसी तरह अजुआ के रहने वाले अमित यादव ने बताया है कि उन्होंने भी आधार कार्ड 2 दिन पहले जमा कर रखा है। उन्हें शुक्रवार को खाद मिलने की
उम्मीद थी कि तो शुक्रवार को भी गोदाम में ताला लटकता हुआ मिला। उनका कहना है कि अधिकारी आपस में मिलकर खाद को बांट लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा सर छोटू यादव नाम है। कहाँ से आए हो? अजुआ। किस लिए आए हो? खाद लेने के लिए। 3-4 दिन से पर डे आ रहा हूँ। सुबह 5-6 बजे आता हूँ मंडी, यहाँ नंबर लगा के बैठता हूँ। खाद एको दिन नहीं मिलती है, ये सब आपस में लोग बंटवारा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमित यादव नाम है सर। कहाँ से आए हो? अजुआ से आए हैं। किस लिए आए हो? खाद लेने आए थे। क्या यहाँ कल परसों से हमारा कार्ड जमा है, आधार कार्ड जमा करवा लिए, अभी तक खाद मिली नहीं। कल आए, कल बोले तुम्हारा। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम है स्वामी दयाल। कहाँ से आए हो? किसानपुर माधो। कहाँ पे आए हो? डोरमा। किस लिए? खाद के लिए। मिल गई खाद? कौशाम्बी से हिमांशु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।